हेलो एंड खमंगनी सा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज के ब्लॉग में भी मैं फिलहाल हूँ बालकनी में, जो कि मेरी फेवरेट प्लेस बन गई है इन दिनों, क्योंकि आप देखिए मौसम बहुत बहुत सही हो रखा है। धूप बिल्कुल भी नहीं है, हवा चल रही है काफ़ी अच्छी एंड बारिश जैसा मौसम हो रखा है। सो आई थिंक बहुत सही लग रहा है अभी तो फिलहाल। बस यहाँ पे ब्लॉग बनाने में एक ही दिक्कत है, क्योंकि रोड साइड है, इतनी गाड़ियाँ जाती है यहाँ से कि इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है, तो कई बार हो सकता है कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं सुने। अदरवाइज मुझे पर्सनली ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ऑल्सो थैंक यू सो मच, अभी भी मुझे DMs आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स के इंस्टाग्राम पे अबाउट जयपुर या जयपुर से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए। तो यस, मुझे चाहिए हेल्प, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आज के व्लॉग में आप लोगों से पूछूंगी। जयपुर वाले जो भी है मुझे कमेंट करके बताइएगा उस बारे में। घर की अपडेट की अगर हम बात करें तो घर यस धीरे धीरे सेट हो रहा है, किचन ऑलमोस्ट हमने सेट कर लिया है। जैसे कि मैंने बताया था कि बिल्कुल भी रैक्स वगैरह किचन में नहीं बने हुए थे, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है किचन सेट करना, मैनेज करना, बट यस अभी टेम्प्रेरी तो हमने काम चलाओ तो सेट कर दिया, जो मैं आपको थोड़े दिनों में दिखा दूंगी। और छोटे मोटे काम घर के हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि हमसे पहले कोई भी यहाँ रहा नहीं, तो बाथरूम में भी हैंगर नहीं है, कुछ भी नहीं, आप इवन अपना टाल भी अगर हैंग करना चाहो तो कुछ भी नहीं है उसमें। सेम वे जो विंडोज हैं, आपने पिछले ब्लॉग में देखी होगी काफी बड़ी बड़ी विंडोज हैं, बट उनपे रेलिंग नहीं थी तो पर्दे नहीं लगे हुए थे, तो वो चीजें वो काम हो रहे हैं। ऐसे करके प्लम्बर को बुलाना, खाती को बुलाना, ये सारे काम चलते रहते हैं, वो सारे काम अब हम सेट कर रहे हैं। धीरे धीरे वन बाय वन सारी चीजें हो रही हैं। सो यस, मुझे जयपुर से रिलेटेड बहुत सारी हेल्प चाहिए आप लोगों की, तो जो भी मेरे जयपुर वाले सब्सक्राइबर्स हैं मुझे कमेंट में आंसर्स देना। आपने बहुत सारी चीजें मैं अभी पूछने वाली हूँ आप लोगों से, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं और किससे पूछूं और आप लोगों से बेटर कौन हो सकता है, तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स की हेल्प लेने वाली हूँ अभी, जो भी मेरे आसपास से हैं। नाउ आसपास से आई मीन कालवाड़ रोड हो गया, गोविंदपुरा, करदनी या फिर झोटवाड़ा समझ लीजिए, और क्या है पास में निवारू, ये जो एरियाज हैं, या फिर आप अगर मेरा लोकेशन जानते हैं, समझ चुके हैं, तो फिर आप समझ जाइए मुझे आसपास की हेल्प चाहिए। तो कुछ चीज़ें मुझे पूछनी है इसके बारे में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे एक अच्छी टेलर बताइए प्लीज़, जो रिलायबल हो, जो अच्छे सूट सिलती हो। मुझे दोनों टाइप के टेलर्स के बारे में जानना है, जो सलवार सूट सिलते हों वो भी, और जो राजपूती बेस सिलते हैं, पोशाक सिलते हैं वो भी। मैं जानती हूँ टेलर्स को, मैं सिलवाती भी हूँ, बट मैं प्रिफर कर रही हूँ जो बहुत पास में हो और जो अच्छा सिलते हो। मतलब अगर आप लोग उनसे सिलवाते हैं और अच्छे बेस सिलते तो मुझे बताना, मैं भी ट्राई करना चाहूंगी। तो आप हो सकता है या तो मुझे इंस्टाग्राम पे बता दीजिए, और अगर आप कंफर्टेबल है तो मुझे यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं कॉन्टेक्ट करूंगी। मुझे फिलहाल बहुत ज्यादा इसी चीज की जरूरत है। उसके अलावा फिर सेकेंड चीज, ये जितनी भी मेरी फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं, आई नीड योर हेल्प, आप मुझे एक अच्छा पार्लर सजेस्ट कीजिए। यहाँ पे जाने को मैं ऐसे कहीं भी रैंडमली जा सकती हूँ, लेकिन आईब्रोज के लिए स्पेसिफिकली मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती हूँ, तो वो बता दीजिएगा एक। बाकी आई थिंक यस, मोस्ट ऑफ द चीजें घर से बाहर निकलते ही मेन रोड पे ही सारी चीजें अवेलेबल है, तो मुझे उसकी टेंशन नहीं है। बट ये दो तीन चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने आप लोगों से पूछ ली, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब आपसे मैं एक और बात शेयर करती हूँ, किसी स्पेशल इंसान से मिलाती हूँ, और क्यों वो भी मैं बताती हूँ। घर सेट करना, वो भी छोटे बच्चे के साथ में, इम्पॉसिबल लिटरली है। साथ में मेरे व्लॉग्स, YouTube की शूटिंग और अब डांस क्लासेस एंड ऑल, सारी चीजें एक साथ चलने वाली है, तो मैं और भव्या के पापा दोनों बिजी रहते हैं। भव्या को मैनेज करना, साथ में घर को मैनेज करना, साथ में हमारे काम को मैनेज करना, इम्पॉसिबल है हमारे लिए बिना किसी की हेल्प के। तो यस, लकीली मेरी हेल्प के लिए एक बहुत ही खास इंसान अभी आए हुए हैं यहाँ पे, जिनसे मैं आपको मिलाऊंगी। हवा चल रही है इसलिए खिड़कियां बज रही हैं, सॉरी उसके लिए। तो यस, बहुत ही ज्यादा स्पेशल, बहुत ही ज्यादा खास इंसान आए हुए हैं। कुछ लोग तो शायद अभी तक गेस कर चुके होंगे, अगर कर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जिन्होंने नहीं किया है मैं अभी आपको मिलवाती हूँ उनसे। सो अभी मेरे पास जो आए हुए हैं, उनकी हेल्प के बिना ये घर सेट करना, मेरा काम मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाता। अब मैं आपको इनसे मिलाने वाली हूँ। अम्मा गणेशा, कैसे हो आप? मम्मी को मेरे पुराने व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, वो तो पहचान गए होंगे मम्मी को देखते ही। और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, ये हैं मेरी माताजी, मेरी प्यारी प्यारी मम्मी, जो आई हुई हैं अभी मेरी हेल्प करने के लिए। और सच में इनके बिना तो मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि मैं कैसे सेट कर पाती, क्योंकि भव्या लिटरली अभी पूछो, बच्ची छोटी है, सारे दिन अपनी नानी सा के पास खेलती हैं, तब मैं कोई काम कर पाती हूँ या तब भव्या के पापा कुछ कर पाते हैं, वरना हम दोनों तो उसी में लगे रहते। और मैंने ही मम्मी को कहा था कि मम्मी आपके बिना नहीं होगा हमारा,
और इससे पहले कि यू नो थोड़ी सी जजमेंट आ जाए, कई बार ऐसे होता है बिना जाने लोग जज करने लगते हैं, या कि आपके इन लॉज क्यों नहीं आए, आपकी मम्मी क्यों आई, तो वो सारी स्टोरी भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत मतलब है ना, थोड़ा सा यूट्यूबर्स को जज बहुत जल्दी किया जाता है। मैं बाकी यूट्यूबर्स का भी देखती हूँ, पब्लिक इतनी क्विक होती है ना नेगेटिव सोचने के बारे में, अच्छा नहीं सोचेंगे, बुरा जल्दी सोचेंगे। तो चलिए, खैर आप लोग वैसे बहुत अच्छे हैं एंड आई होप आप सब समझते होंगे। तो जी, सिचुएशन ऐसी है कि मेरे सास ससुर ऑब्वियसली वो भी बहुत एक्साइटेड हैं, हम यहाँ मूव हुए हैं उसके लिए, वो भी यहाँ आएंगे, लेकिन इतना बड़ा मकान है कोटपुतली का और वहाँ पे अभी मम्मी जी पापा जी हैं, वो ताला लगा के बंद करके नहीं आ सकते। आप भी समझ सकते हैं कि घर को ऐसे बंद नहीं किया जाता है। मेरे ननद भाई से आए हुए हैं जिनका रीट का एग्जाम है, तो वो भी तैयारी कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशंस चल रही हैं, तो मम्मी जी का उनके पास होना भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे जीजा को भी उनकी जरूरत है। मम्मी जी सारा वहां संभालते हैं, तो दीदी पढ़ाई कर लेते हैं, और जब जीजा एग्जाम के लिए यहाँ आएंगे, जयपुर उनका सेंटर है, तब वो मेरे पास आएंगे, तब मैं आपसे मिलवाऊंगी। मम्मी जब चले जाएंगे यहाँ से, तब मेरे मम्मी जी आएंगे। तो एक्चुअली डिसाइड ये हुआ है कि टर्न बाय टर्न करेंगे, मम्मी भी यहाँ मेरे पास परमानेंट नहीं रह सकती हैं, जैसे जैसे जो फ्री होते रहेंगे वो हमारे पास आते रहेंगे और भव्या को संभालने में थोड़ी सी हेल्प करेंगे, क्योंकि बच्ची अभी बहुत छोटी है, हम भव्या करियर घर सारा एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ी सी हेल्प अभी लगेगी और सब लोग आते रहेंगे। तो फिलहाल मम्मी है, मम्मी क्यों है वो भी मैं बताती हूँ। 6 मई को बाबू साहब का निधन हो गया था, तब हम लोग आए थे, मैं अंकित, अंकित के डैडी और रिंकू बिनड़ी सा, हम चारों ही आए थे। और उसके बाद में अंबिका का प्लान था जयपुर आने का, तो इसने, मेरे को लगा काफी टाइम लगेगा इसको, लेकिन इसने तो झट से ही रूम बुक कर लिया, और इसके लिए फिर मेरे को रुकना पड़ा, और फिर माँ हूँ देखो, हेल्प के लिए रुकना तो पड़ता ही है। एक्चुअली मम्मी को मैं बताती थी कि मम्मी, हाँ, जब बाबू के टाइम पे मम्मी आए थे, मुंबई से आए हुए थे, तो लगभग 6 मई 7 मई को मम्मी पहुंच गए थे, और ये लोगों की टिकट थी वापस 24 मई की। तो जब मैं गई थी सिलसिला, तो मैंने कहा मम्मी मैं जयपुर शिफ्ट होने वाली हूँ और अभी स्टार्टिंग में तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो मम्मी बोली भाई हाल तू मकान दे, एक टन टाइम लागी, तू जयपुर घूमेगी फिरेगी, हाल कट्ठे मकान पड़े हुए है ना, यही कहा था ना, मतलब हाल ही कट्ठे मकान मुंबई जाके आऊंगी मैं, तो मम्मी बोली मैं तो मुंबई जाके आऊंगी, तब तक तू आराम से घर ढूंढ, फिर जब तू शिफ्ट हो जाएगी ना या होने वाली होगी तब मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है चलो ये कर लेते हैं। उसके बाद में मैंने 20 मई को ये घर देखा था, 20 मई को शायद मुझे याद है, 20 या 21 मई थी, 20 थी ना, 20 मई, और उसी दिन भव्या के पापा को ही पसंद आ गया था, ये बोले मेरे को और कोई घर देखना ही नहीं है, फिर भी हमने थोड़े बहुत और देखे थे, और लेकिन नेक्स्ट डे फिर हमने यही डिसाइड किया कि नहीं यही बेस्ट है और इसको फाइनल कर दिया। तब मैंने मम्मी को फोन किया फिर कि मम्मी आप तो कह रहे थे ना टाइम लगेगा, देखो मैंने फाइनल कर लिया है, तो अब आपको रुकना पड़ेगा। 24 मई की मम्मी की टिकट थी, मैंने कैंसिल करवाई वो, और डैडी का बिल्कुल मन नहीं था मम्मी को छोड़ के जाने का, उनका तीनों को नाराज किया है, उनका मन नहीं लगता एक्चुअली मम्मी के बिना, लेकिन मैंने कहा अभी फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर उसके बाद में जीजा भी आएंगे, मम्मी जी भी आएंगे, पापा जी भी आएंगे, पापा जी इनफैक्ट थोड़े दिनों में आने वाले हैं किसी काम से। हाँ मैं तो देखो कंटिन्यू तो नहीं रह सकती हूँ, तो अभी क्या स्टार्टिंग में थोड़ा काम एक्चुअली ज्यादा रहता है ऑनेस्टली, जब आप घर सेट करते हो तो पूरा जब सामान आया था उसको जचाना रखना करना बहुत सारी चीजें, तो जब वो लोग आएंगे तब मैं उनको भी आपको व्लॉग्स में दिखाऊंगी और मिलवाऊंगी, और बीच बीच में हम भी कोटपुतली जब जाते रहेंगे वहां के भी व्लॉग्स आएंगे। इनफैक्ट मेरा आधे से ज्यादा सामान अभी भी कोटपुतली रखा हुआ है, किसी सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट आया था कि आपने बैंगल कलेक्शन अभी तक नहीं बनाया, भाई बैंगल मैं सिर्फ एक छोटे से बॉक्स में डाल के लाई हूँ यहाँ पे थोड़े से, बाकी जो मेरा पूरा कलेक्शन है वो वहां है, मेरे बेस जो है वो सारे मोस्टली वहां है, मैं थोड़े से यहाँ पे लेके आई हूँ, सिर्फ पोशाकें भी मोस्टली वहां है, वहां अलमारियां भरी छोड़ के आई हूँ मैं, तो मैं जाती रहूंगी वहां पे भी, धीरे धीरे वहां से लाऊंगी, वीडियोज के पर्पज से मुझे कुछ चीजें लानी है वो ले आऊंगी, तो यहाँ के व्लॉग्स वहाँ के व्लॉग्स आप देखते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी वन बाय वन क्या चल रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए तो मम्मी है और मम्मी को आप व्लॉग्स में देखेंगे। फिर से आ गई मैं व्लॉग्स में। पता है जब मैं मुंबई से आ रही थी तो मैं मम्मी को कहती मम्मी लोग आपको मिस करेंगे व्लॉग्स में, क्योंकि मम्मी को काफी लोग पसंद करते थे। मैंने कहा था इसको मम्मी को, अब मैं तो हट जाऊंगी व्लॉग्स से, लेकिन देखो अब लग ऐसा था कि मम्मी वापस आ गए, और सच है मतलब मम्मी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। 6 महीने की बात है, उसके बाद में सब बच्ची, हाँ अभी थोड़ी छोटी है तो उसको जरूरत है, बाद में वो भी खेल में लग जाएगी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अभी शुरू में प्रॉब्लम है। ऑल्सो ये जो डेली व्लॉगिंग होती है ना ये बहुत हेक्टिक होती है, आप लोग सिर्फ 8-10 मिनट का वीडियो देखते हैं आपको लगता है कि ठीक है, बट इसके पीछे जो मेहनत जाती है ना ये बहुत ज्यादा जाती है, जो यूट्यूबर्स हैं बाकी वो उनसे पूछिएगा,
और बहुत सारे लोग तो ऑल्टरनेट डे या दो तीन दिन छोड़ के डालते हैं तो फिर भी टाइम मिल जाता है। मेरे लिए डेली व्लॉगिंग है, मतलब हर दिन व्लॉग बनाओ, हर दिन उसको एडिट करो और अपलोड करो, बहुत सारे काम चलते रहते हैं तो मम्मी के बिना पॉसिबल ही नहीं होता कि मैं कर पाती। के लिए जान जल रही है क्योंकि वो नई नई आई है, मन करता है उसके पास रहूं। और इधर इस बच्ची की तरफ, बेटी की तरफ जान जलती है कि अगर इसको थोड़ी बहुत हेल्प नहीं कराऊंगी तो ये कैसे करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी, छोटी है बच्ची। थोड़े दिन आप बेटी को संभाल लो, बात है फिर बहू को संभाल लेना बाद में, तो बहू नहीं बट अभी रिंकू क्योंकि आ गए हैं, बिन्नी आ गए हैं तो मम्मी यहाँ पे रह पा रहे हैं। इमेजिन करो अगर अभी अंकित की शादी नहीं हुई होती तो मम्मी मेरे पास नहीं रुक सकते, क्योंकि अंकित और डैडी को मम्मी की जरूरत रहती। बट लकीली एंड थैंक यू रिंकू का कि वो वहाँ पे सब कुछ संभाल रहे हैं इतना अच्छे से, इसलिए मम्मी को टेंशन नहीं है, मम्मी मस्त है कि रिंकू संभाल रही है आराम से। नहीं तो सवाल ही नहीं, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं था, बिल्कुल नहीं रह सकते थे। और भाई हम माँ बेटियों के क्या साथ में आप व्लॉग्स देखना चाहते हैं वो बता दीजिए, कोई चैलेंज वैलेंज हो, कोई और चीज हो तो बता दीजिए। अभी तो फिलहाल ये है यहाँ पे तो मैं फायदा उठा सकती हूँ उस चीज का, फिर मम्मी चले जाएंगे मुंबई। तो जी इनसे मिलाना था मुझे, ये थे खास इंसान जिनसे मैं मिलाने की बात कर रही थी। एंड बाकी तो नॉर्मल रूटीन चल रहा है घर का, अभी हम काम के लगते हैं, खाना वाना बनाते हैं और बाकी जो रूटीन होगा वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, है ना मम्मी? बिल्कुल, है ना, प्यार दो अपना खूब सारा, मम्मी बहुत राजी होती है देख के, बहुत खुशी होती है मेरे को। चलिए अब बाकी का रूटीन कंटिन्यू करते हैं। सो मैंने जस्ट अभी एडिटिंग कम्प्लीट की है एक व्लॉग की जो आप देखेंगे आगे, और मैं अभी बालकनी में हूँ, शाम का टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं लगभग, चाय पियेंगे अभी थोड़ी देर में। मौसम आज मस्त हो रखा है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए, एक सेकेंड। सही वाला मौसम हो रहा है और ये देखिए, चाय और मौसम के मजे लेते हुए पतिदेव। हेलो, कैसा लग रहा है? बारिश का मौसम हो रहा है। बारिश देखते हैं, पता नहीं, पता चला हवा आके और बस चली गई बारिश, आएगी तब तो मजे आ जाएंगे। गर्मी हो रखी है, गर्मी है, वही आ जाए तो सही है। चलो देखते हैं, मैं भी जाती हूँ, मेरी चाय पीती हूँ, ठंडी हो रही है। सो फाइनली बारिश आ गई है, मस्त ठंडा ठंडा पानी है। अब मैं व्लॉग में आपको वो तो नहीं दिखा सकती, मोटी मोटी बूंदे गिर रही है और ठंडा पानी है, ठंडी बूंदे हैं। प्लान अभी हमारा था टेरेस पे जाने का, मम्मी कह रहे थे कि भव्या को मैं छत पे ले जाती हूँ, और अभी बारिश आ गई, हवा चल रही है बढ़िया वाली, मस्त मौसम हो गया है। टेढ़ी बारिश आ रही है, अंदर पानी आ रहा है, लेकिन भव्या हिलने को रेडी नहीं है क्योंकि इसको पानी बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगा भव्या, कैसा लगा? ऐसा लगा, ये देखो पूरी टेढ़ी बारिश हो रही है, गाड़ी धुली नहीं है अभी क्योंकि बारिश इतनी खास हुई नहीं है, थोड़ी सी हुई, एक दो मिनट ही बारिश हुई है। लो ये तो जाने लगी बारिश, आधे घंटे बारिश होगी ना तब जाके कुछ, अब आधे घंटे तो बारिश कहाँ से लाएं। चीकू क्या कर रहे हो आप? प्रॉपर अच्छी वाली बारिश आए तब होगा पकोड़े वाला सीजन, बारिश में मस्त गर्मा गर्म चीजें खाने का सीजन, पर आज वैसी बारिश हुई नहीं, बट ठीक है क्योंकि आज सुबह से ही बहुत ज्यादा हुमस हो रही थी तो लग रहा था कि शायद बारिश आ जाए। तो जी हमारे नेचर के अनुसार क्योंकि बारिश आ गई है, थोड़ी देर बाद में आई थिंक हम फिर से एक चाय पी लेंगे, क्या बोलते हो? चाय एक बार बारिश हो रही, अच्छा ये बारिश का वेट कर रहे हैं, अभी नहीं होगी, अब नहीं होगी मेरे हिसाब से, या देखो शायद हो जाए, ऊपर थोड़े से बादल तो है अभी।